नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। दिवाली के बाद में छठ पर्व की महापर्व जिसे कहा जाता है छठ पर्व, उसकी तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है। हमारे बीच में रवि पांडे साहब हैं जो कि पूर्वांचल छठ समिति के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले क्या बधाई, क्या शुभकामना देंगे? सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार का, हमारे LG साहब का, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम का, पूरे प्रशासन का, सभी क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें पुणे इस पर्व को यहाँ दिल्ली में मनाने के लिए पूर्वांचल के लोगों को सरकार ने पुणे सहायता करी है, उसके लिए मैं हार्दिक उनका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रवि पांडे साहब क्या कहना चाहेंगे दोबारा से, क्योंकि पिछले साल नहीं लग पाया छठ पर्व, नहीं मन पाया कोरोना काल की वजह से, इस बार फिर तैयारी शुरू हो चुकी है? नहीं, छठ पर्व तो लोगों ने अपने घरों पर मनाया, पर जिस तरीके से सामूहिक रूप से हम लोग एकत्रित होते थे, समाज के सभी लोग यहाँ पर आते थे, तो वो पिछले साल नहीं हो पाया। इस साल दिल्ली सरकार ने लोगों की रिक्वेस्ट पर, लोगों की बात को, लोगों के मान सम्मान को ध्यान रखते हुए कि लोगों को असुविधा ना हो पूर्वांचल के लोगों को, पुनः ये अवसर दिया है। और SDM साहब ने, DM साहब ने, सभी ने पूरी तरीके से यहाँ पर उनकी मौजूदगी दर्ज कराई है और हम हर तरीके से गाइड किया है और पूरी सहायता हमें दी है कि कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस कार्यक्रम को करवाया जाए। राठी मिल में पुनः तैयारी चल रही है? हाँ जी, राठी मिल में पुनः तैयारी चल रही है, आप देख रहे हैं आपके सामने, इधर JCB ने गड्ढा कर दिया है और कल तक मेरे ख्याल से यहाँ सारी साफ सफाई का कार्यक्रम भी हो जाएगा और आज मेरे ख्याल से विजिट भी है। दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो क्या क्या योगदान दे रही है? दिल्ली सरकार पूर्णतः योगदान दे रही है, दिल्ली सरकार ने ही DUSIP को ये काम दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से ही हमें टेंट मिलेंगे, महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने की जगह मिलेगी, पानी की व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था होगी, तो लगभग सभी चीज़ें दिल्ली सरकार ने ही दी हैं। समाज और संस्था के लिए हम लोग तो सिर्फ ये इतना काम करते हैं कि लोगों के लिए जागरूक होकर के उन्हें यहाँ एकत्रित करते हैं, उन्हें बताते हैं और उन लोगों का सम्मान करते हैं। कि छठ पर्व की अगर हम बात करें तो राजनीति भी पूरी हुई, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन भी करा, उसके बाद जाके मंजूरी मिली। जनता पार्टी या किसी भी, सभी देखिए, असल में है क्या कि ये किसी भी पार्टी और जातिगत आधार से बहुत ऊपर की चीज़ है। इस छठ पर्व के लिए सभी पार्टी के लोगों ने, सभी ने हमारी हमने जिससे सहायता मांगी उसने हमारी सहायता करी है, इसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि अनुमति नहीं मिल रही थी कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए, वो डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से नहीं मिल रही थी। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को जब बताया गया कि इस तरीके से होगा और ऐसे किया जाएगा और दिल्ली सरकार के किए हुए कामों की वजह से यहाँ पर कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है और दिल्ली में अब कोई इस प्रकार की नहीं है बीमारी, तो इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट ने हमें परमिशन दे दी। बधाई देंगे दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार को मैं फिर से पुणे अरविंद केजरीवाल जी का हाथ जोड़कर अपने समाज की तरफ से, पूर्वांचल के लोगों की तरफ से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा साहसिक कदम पुणे उठाया और दिल्ली में लगातार जब से छठ पर्व मन रहा है ये दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचल के लोगों को जो सम्मान दिया है उसके लिए पूर्वांचल का पूरा समाज उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। आप भी एक अध्यक्ष हैं समिति के अंदर छठ महापर्व के, तो क्या क्या गाइडलाइन आप फॉलो करने वाले हैं? कितने लोगों को यहाँ, महिलाओं को आने की अनुमति देंगे? क्या क्या महिलाओं को आने की अनुमति उतनी ही देंगे जितनी की सीटिंग कैपेसिटी होगी। कितनी कैपेसिटी है? लगभग करीब 2000 करीब लोग यहाँ आ जाते हैं हर बार जी, और उसमें हम पुरुषों को, हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी रखी है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो यहाँ आकर के अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कहा जाए कि टोकन के हिसाब से नंबर लगेगा या नहीं? नहीं, वैसे ही सभी लोग आएंगे, कुछ लोग आते जाते हैं, लोग निकलते जाते हैं, अपनी अपनी पूजा करके लोग चले जाते हैं, तो इसलिए भी इतनी व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होती। और पूर्वांचल के लोगों का प्रतिशत यहाँ पर इतना नहीं है कि यहाँ 10-20-25 हज़ार एक घाट पर इकट्ठे हो जाएं, और भी कई जगह घाट बन रहा है, जैसे कि बाबरपुर में बन रहा है, आपका दिलशाद घाट में बन रहा है, नंद नगरी में बन रहा है, तो दिल्ली सरकार ने लगभग पुनः सभी जगहों पर फिर से घाट की व्यवस्था कर दी है, इसलिए कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। छठ मैया से क्या प्रार्थना? छठ मैया से यही प्रार्थना है कि हे माँ, सभी स्वस्थ हों इस कोरोना नाम की बीमारी से, मेरे देश को मुक्ति मिले, मेरे समाज को मुक्ति मिले, सभी लोग स्वस्थ हों, कामयाब हों, बुद्धिजीवी हों और मिलजुल कर रहे।